आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बिहार बोर्ड 2023 में इससे कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, मिनिमम 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आज के सिर्फ एक वीडियो से मिनिमम 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन कलर कोड। क्या चीज? कार्बन कलर कोड। क्या चीज पढ़ेंगे? कार्बन कलर कोड, मतलब कहने का अर्थ है कार्बन का कलर कोड। आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बन में कितने कलर होते हैं, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र है, मतलब कार्बन में जो कोड होता है, जैसे लाल रंग होता है, व्हाइट होता है, ब्राउन होता है, भूरा होता है, स्लेटी होता है, येल्लो होता है, उसके बाद पीला होता है, ये सभी क्या है? कार्बन के कलर कोड है। यहाँ पर हम किसी कलर से प्रतिरोध भी निकाल सकते हैं और या किसी के प्रतिरोध से हम लोग कार्बन का कलर कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यदि आपको फिगर दे दिया और बोला कि नहीं इसका जो है आप प्रतिरोध निकाल के दिखाइए, इसका प्रतिरोध कितना होगा, मतलब कलर के साथ दे देता है। किसके साथ? कलर के साथ दे दिया और आपको बोलेगा इसका कलर कोड निकाल, इसका जो है प्रतिरोध हमका, मतलब इसमें कितना प्रतिरोध है, यानी इस कलर कोड को हम किसी डिवाइस में लगाएंगे तो उसका कितना प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो वो चीज़ हम लोग अभी इस वीडियो में निकालने जा रहे हैं कार्बन कलर कोड के बारे में। तो कार्बन कलर कोड के बारे में हम लोग निकालने जा रहे हैं। एक सूत्र लिख लीजिए आप लोग, सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन सूत्र का नाम है, ये जो सूत्र है आपका, इसका क्या नाम है? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लिखा ना, हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ, हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग, बियरिंग लिखे, बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बियरिंग, बियरिंग गोल्ड नेकलेस। क्या चीज? नेकलेस। नेकलेस मतलब समझते हो ना, ठीक है। सूत्र आपका क्या है? बस इस सूत्र को याद रखने से आपका कलर कोड का प्रॉब्लम, दुख तकलीफ दूर हो गया। क्या है कलर कोड? बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, मतलब बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के बीबी रॉय के पास क्या है? एक पत्नी है जो क्या पहनता है? सिल्वर गोल्ड, मतलब गोल्ड सुनहरा और चांदी का नेकलेस पहनता है। क्या पहनता है? नेकलेस पहनता, मतलब इसी के अंदर कार्बन का कलर कोड छुपा हुआ है। क्या है? कार्बन का कलर कोड छुपा हुआ है। अब इसमें से देखिए कैसे कलर कोड लेंगे, ये बी का बी लेंगे, ये भी बी का बी लेंगे, आर फोर रेड लेंगे, ये ऑफ को छोड़ देंगे, तो यहाँ जी लेंगे, क्या लेंगे? जी लेंगे, बी लेंगे, हैज को छोड़ देंगे, ये यहाँ भी लेंगे, यहाँ पर जी लेंगे, क्या लेंगे? जी, यहाँ पर डब्लू बियरिंग को छोड़ देंगे, ठीक है, जो भी बियरिंग है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है? जी एस एन, जी एस एन मतलब बी बी आर जी बी वी जी डब्लू जी एस एन, ठीक है। कहने का अर्थ है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ बियरिंग सिल्वर एंड सॉरी गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो यहाँ से आपका कलर कोड क्लियर हो जाएगा, इसी के अंदर सारा कलर कोड छिपा हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में मेरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देख लेना। ये हो गया कलर नाम, इधर हम लोग क्या चीज लिखेंगे? रंगों का नाम। ये आपका अंक हो गया, ये आपका गुणांक हो गया, थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाइए, क्या अच्छा लगेगा, तो छोटा सा में अटक जाएगा पीछे में। ये देखिए कार्बन कलर कोड का चार्ट है, इसमें हम लोग
इस बीच में डाल दो क्या। देखिए ये कितना है, ये यहाँ पर क्रम संख्या, इसको क्या लिखेंगे, क्रम संख्या मतलब सीरियल नंबर, और ये कलर का रंग का नाम, किसका नाम है, रंग का नाम, और ये अंक है, और ये क्या है, गुणांक है बबुआ, क्या है यह गुणांक है, और यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि है, क्या है, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले B4 क्या होगा, B4 सबसे पहले कार्बन का रंग कैसा होता है, काला ना, का C4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और दे दीजिए यहाँ पर 36। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देखिए कार्बन कलर कोड में यहाँ पर आप एक चीज रोए में हम लोग पूरा रोए नहीं लिखे थे, रोए बीबी रोए, ठीक है, जो आगे का नाम है वो क्या है, बीबी रोए, उसको पूरा लिखना है, ठीक है। तो रंग का नाम क्या होगा, सबसे पहले B4 ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या होता है रे, काला, काला। B4 ब्राउन, B4 ब्राउन मतलब भूरा कलर होता है ना, उसके बाद चलिए B4 ब्राउन हो गया, उसके बाद क्या है, R4 रेड, रेड मतलब क्या होता है रे, लाल। O4 ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। पांच भाग में क्या है, Y4 येल्लो, येल्लो मतलब पीला। उसके बाद G4 क्या होता है, ग्रीन, G4 ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। B4 फिर ब्लू, ब्लू ब्लू मतलब नीला। फिर क्या हो गया, B4 वायलेट, वायलेट मतलब क्या होता है, स्लेटी कलर का, क्या होता है, वायलेट मतलब क्या होता है, बैगनी, बैगनी होता है। और उसके बाद क्या है, G4 ग्रे, ग्रे रंग किस कलर का होता है, स्लेटी कलर का, स्लेटी मतलब समझे ना, स्लेट के कलर का। उसके बाद क्या है, दसवां क्या है, W4 व्हाइट, व्हाइट मतलब क्या होता है, सफेद, ठीक है। उसके बाद G4 क्या होता है, गोल्डन, G4 गोल्डन मतलब क्या होता है, सुनहरा, क्या होता है, सुनहरा। S4 सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी के रंग का होता है ना। उसके बाद एक है M4 क्या होता है, नो कलर मतलब कोई रंग नहीं, ठीक है, कोई रंग नहीं। अब यहाँ देखिए अंक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सुनो चार्ट को अच्छे से समझो। अब यहीं पर चार्ट है और गुणांक है, ठीक है। हम लोग कलर कोड कहाँ से शुरू करते हैं, जीरो से, तो जीरो ब्लैक का क्या हो जाएगा रंग, जीरो। ब्राउन का क्या हो जाएगा, एक। रेड का 2, ऑरेंज का 3, येल्लो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, बैगनी का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9, और इसका रंग नहीं होगा। किसका किसका रंग नहीं होता है, गोल्डन सिल्वर और नो कलर का कोई रंग नहीं होता है, बात समझे। उसके बाद कलर कोड इसका होता ही नहीं। अब देखिए गुणांक, गुणांक क्या होगा, गुणांक 10 के पावर में होता है, किसके पावर में, 10 के पावर में, 10 के पावर में जितना अंक होगा वही उसका क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। 10 के पावर में कितना है, इधर रंग अंक 0, इसका वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग, 1। किसी भी संख्या पर पावर 0 का वैल्यू 1, इसका गुणांक, ब्लैक का गुणांक क्या हो जाता है, 1। काला, काला रंग का गुणांक क्या हो जाएगा, 1। ब्राउन का क्या होगा, 10 पे पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा, 10 से ये 10 पे पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 100। इसी टाइप से हम करते जाएंगे तो 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 6, 10 पे पावर 7, 10 पे पावर 8 और 10 पे पावर 9। इसके बाद देखिए इसका गोल्डन कलर का नाम को कोई गुणांक भी नहीं होता, किसका गुणांक नहीं होता है, गोल्डन सिल्वर और नो कलर का कोई गुणांक नहीं होता। वही अगर यदि हम लोग प्रतिशत में देखें तो इसका प्रतिशत त्रुटि नहीं होता, किसका,
ये ऊपर वाला जो 10 को है, ये जो 10 है इसका कोई प्रतिशत त्रुटि नहीं होता। लेकिन गोल्डन का कितना कलर होता है प्रतिशत त्रुटि? प्लस माइनस 5%। सिल्वर का क्या होता है? प्लस माइनस 10%। और नो कलर का क्या होता है? प्लस माइनस 20%। इसको याद रखना, ठीक है। अब हम इसको प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे, इसी से इससे बनाएंगे प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। अभी ये मेरा क्या था? चार्ट था, रंगों का कलर था। मतलब रंगों का कलर आप लोग देखिए, मतलब काला रंग का कलर कोड कितना होता है? अंक 0, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। और लेकिन उसके बाद तीन कलर कोड आते हैं, तीन कलर आते हैं, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। इसके कोई अंक नहीं होते हैं ना गुणांक होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? प्रतिशत त्रुटि होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अभी जो है हम लोग प्रतिरोध निकाल लेंगे। कलर कोड से प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना होगा वो निकाल लेंगे। और प्रतिरोध से हम फिर कलर कोड निकाल सकते हैं। प्रतिरोध दे दिया, बोला साहब आप हमको इसका कलर कोड निकाल के दिखा दीजिए, तब कैसे करेंगे? क्या जानते हैं सूत्र क्या होगा? मतलब किसी भी कलर कोड से उसका प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? किसी भी कार्बन कलर कोड से क्या चीज निकालना हमको? प्रतिरोध, मतलब वो ऐसा वैसा कार्बन कलर कोड होगा तो मेरा प्रतिरोध कितना होगा, बस इनको समझना है। तो देखिए इनके लिए क्या होगा कि एक, देखिए एक कोई कार्बन कलर कोड दे दिया, क्या दे दिया? एक कोई कार्बन कलर कोड दे दिया है, एक कोई कार्बन कलर कोड मेरे पास दे दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको ऐसे करके दे दिया, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। आपको दे दिया ये कार्बन है उसके लिए हमको कलर कोड दे दिया है ए बी सी और डी। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल। अगर यदि आपको प्रतिरोध निकालना है तो ये दोनों का क्या ले लेना है? अंक ले लेना है। क्या ले लेना है? ये दोनों का अंक ले लेना है और इसका गुणांक ले लेना है। किसका गुणांक ले लेना है? सी के जगह तीसरे जगह पर जो होगा उसका क्या करेंगे? पहला दो जो होगा वह क्या करेंगे? उन दोनों का अंक ले लेंगे और तीसरे स्थान पर जो होगा उसका क्या ले लेंगे? गुणांक ले लेंगे। और जो आपका चौथा स्थान पे होगा उसका क्या ले लेंगे? प्रतिशत त्रुटि ले लेंगे। क्या ले लेंगे? प्रतिशत परसेंटेज ले लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग एक कलर कोड ले लेते हैं, कार्बन कलर ले लेते हैं का कोड ले लेते हैं और उसका हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उसको बनाएंगे। तो देखिए ऐसे करके दे दिया, एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे करके दे दिया, ठीक है। ये कार्बन कलर कोड है और इसमें जो है आपको क्या दे दिया? 1, 2, 3 आपको यहां पर बोल दिया कि अब इसका प्रतिरोध निकालिए। इसमें जो है कलर कौन सा है बताइए, आप ही लोग बोलिए कौन सा कलर लेके हम बना दें। मतलब यहाँ कौन सा, इसको कौन कलर ले, इसको कौन कलर ले, इसको कौन कलर ले, इसको कौन कलर ले, एक और बनेगा ना, आप लोग बोलिए। आप कौन सा ले? नीचे से उठाइए, सिल्वर, गोल्ड, व्हाइट। ये नहीं, ये प्रतिशत वाला, इसका कलर कोड अंक होता है फॉर्मूला में, इसका अंक होता है। ये आपको देगा ही नहीं, इसका अंक कहाँ होता है? नहीं होगा। कहाँ से ले? वायलेट। ये क्या है? ये कौन सा रंग है? वायलेट मतलब बैगनी है। क्या है? बैगनी, स्लेटी आप बोले। और देखिए ये इतना बड़ा मत लीजिए, काहे कि 10^9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऊपर से ब्राउन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ये वाला ब्राउन मतलब भूरा। और ये आपको क्या दे दिया? सुनहरा। क्या दे दिया? सुनहरा। अब देखिए आपको बोल दिया कि इसका कार्बन प्रतिरोध का मान क्या होगा? क्या होगा इसके लिए? देखिए फॉर्मूला क्या होगा, प्रतिरोध बराबर फॉर्मूला यहाँ पर भी हम लोग निकाले तो क्या होगा? इन दोनों का क्या करना है? अंक लेना है। तो इन दोनों का अंक क्या होगा? ए बी अंक होगा और गुणांक किसके साथ? सी के साथ गुणा करना है। और प्रतिशत, प्लस माइनस, प्रतिशत क्या होता है ना? प्लस माइनस बी। अब देखिए क्या होगा, अब किसका हमको प्रतिरोध निकालना है? किसका निकालना है प्रतिरोध? अब ऐसे टाइप का हमको प्रतिरोध निकालना है तो कैसे होगा?
ठीक है। अब देखिए यहाँ तो हम लोग बैगनी का कलर कोड कितना होता है, देखिए तो 7। बैगनी का कलर प्रतिरोध बराबर क्या होगा, प्रतिरोध बराबर बैगनी का कलर कोड, बैगनी को क्या मान लेंगे, ए, स्लेटी को बी, भूरा को सी और इसको डी मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो यहाँ देखिए बैगनी रंग का कलर कोड कितना होता है, 7 और स्लेटी का 8। 7 और 8 मिल गया, जैसे ए बी मिल गया था। और गुणांक कितना लेना है, किसका लेना है गुणांक, भूरा रंग का, भूरा रंग का गुणांक क्या होता है 10, तो यहाँ दे देंगे 10। और उसके बाद क्या है, सुनहरा, सुनहरा का प्रतिशत, डी वाले का प्रतिशत लेते हैं ना, तो यहाँ पे ओम लिख देंगे, क्या करेंगे ओम लिख देंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस सुनहरा का कितना आठ हो जाएगा, सुनहरा कितना परसेंट है, प्लस माइनस 5%, इसको हम हल करके लिखेंगे 780 ओम प्लस माइनस 5%। इसका इस कार्बनिक रड कोड का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इस कार्बन रड का 780 प्लस माइनस 5%, 780 ओम प्लस माइनस 5%, ये क्या हो जाएगा आपका, इस कार्बन रड का कुल प्रतिरोध ये हो जाएगा। ये कार्बन रड दे दिया ठीक है, और इसमें दे दिया 1, 2, 3, क्या दे दिया, अब 3 एगो दे दिया, अब क्या होगा, मतलब एगो दे दिया है B4 ब्लैक नहीं, रेड ग्रीन आर जी और 4 में क्या है ऑरेंज, बस इतना दे दिया आपको, बोला इसका प्रतिरोध निकालने के लिए, है ना। अब तो आ गया जटिल, तो मतलब अब कहने का सिंपल सा अर्थ है, प्रतिरोध बराबर क्या फॉर्मूला होता है बाबू, AB into C ओम प्लस माइनस डी, यही होता है रे। तो ए कितना है, रेड, रेड का रंग कितना, कलर कोड कितना होता है 2। बी कितना है, बी में क्या है, ग्रीन है, ग्रीन कितना है 5। ये ग्रीन दे दीजिए, ग्रीन रेड और ये ऑरेंज। अब देखिए सी कितना है बताइए, तो सी ऑरेंज है, ऑरेंज का क्या होता है 10^3 गुणांक होता है ना, ये क्या हो गया ओम प्लस माइनस, डी तो है नहीं, है डी, अगर यदि डी का ऑप्शन नहीं दिया हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये 13वां नंबर यूज करेंगे, ये 13वां नंबर यूज करेंगे, नो रंग मतलब नो कलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20%, इसका क्या होगा 25,000 ओम प्लस माइनस 20% हो जाएगा, ये इसका निकल गया कुल प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आ गया, ये सभी सवाल रहेगा तो इस टाइप से भी सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और सवाल देखते हैं, इसी पर एग्जांपल देख लीजिए। अब आपको ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया, इस टाइप का सवाल दे दिया, ये कार्बन कलर तो कोड दे दिया है, ये कार्बन रड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, कार्बन रड, मतलब ऐसे दे दिया है। ठीक है, कैसे दे दिया है, ऐसे, मतलब यहीं पर तीनों का एंडिंग पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया एंडिंग पॉइंट, और एंडिंग पॉइंट का रंग कौन सा दे दिया, लाल, और ये आपको क्या दे दिया, सिल्वर, क्या दे दिया, सिल्वर दे दिया। अब इस कंडीशन में कैसे करेंगे, ऐसा भी तो सवाल रह सकता है, रह सकता है ना, तीनों को एक जगह कर दिया, तो अब अगर यदि ऐसा सवाल रहेगा तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना सबसे आसान है, प्रतिरोध बराबर क्या होगा, तो तीनों किस जगह पर है, ए बी सी कहाँ है, एक ही जगह लाल पर है, तो लाल का क्या होगा 2-2 हो जाएगा, ए बी के जगह पर 2-2 हो जाएगा, ए बी कहाँ पर है, लाल का है, बी भी क्या है, लाल पर है, और सी मतलब गुणांक हो जाता है, सी भी क्या है इसका, लाले है, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, और सिल्वर का ओम हो जाएगा ये, और सिल्वर का प्लस माइनस कितना होता है 10%, इसका क्या हो जाएगा 2200 ओम प्लस माइनस 10% हो गया, इसका कुल प्रतिरोध निकल गया, समझे बात को। अगर यदि इस टाइप का क्वेश्चन, अभी हम लोग एक प्रतिरोध को ले लेंगे और उसका कलर कोड लिखेंगे अभी, ठीक है, एक प्रतिरोध को ले लेंगे और अभी कलर कोड हम लोग लिखेंगे, तब तक ये रोक दीजिए। ऐसा सवाल दे दिया था आपको, क्या बोला, कार्बन रड बनाइए, क्या बनाइए, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, एग्जाम हो सकता है ऐसा सवाल रहेगा तो आपको क्या करेगा, वो 2 नंबर में पूछेगा कि प्रतिरोध आपको दे दिया, कितना दे दिया 270 ओम प्लस माइनस
20%, कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं है कोई दिक्कत तो यहाँ पर हम लोग ए के जगह पे क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा 2, बी बराबर क्या हो जाएगा 7, और सी बराबर क्या हो जाएगा 10, और डी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 20%। कोई दिक्कत, एबीसीडी नहीं प्रतिरोध दिया हुआ है आपका। अब इससे आपको एबीसीडी निकालना है, इससे एक मतलब पहला दो अंक मिल कैसे बताए थे फॉर्मूला रे, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, ऐसे बताए थे ना रे। तो ए बी क्या हो गया, ए बी क्या हो गया 10 का पावर होगा, तो 10 का पावर क्या होता है 10, और डी कितना है 20%। अब इसका कार्बन कलर सॉरी कार्बन रड बना लेंगे, क्या बना लेंगे कार्बन रड अगर यदि बना लेंगे तो ये कैसा बनेगा बबुआ, ये इस टाइप का बनेगा। पहला क्या है, चार गो है ना, तो चार गो बना दीजिए 1, 2, 3, 4, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये कौन सा 2, 2 का कलर कोड क्या होता है, 2 किसका कलर कोड होता है लाल का ना, तो ये क्या होगा रेड। और उसके बाद 7 है, 7 का कलर कोड क्या होता है ब्लू, और सी का क्या है, सी कितना है 10, 10 किसका होता है ब्राउन का ना, तो ये हो जाएगा ब्राउन, और ये नो कलर, या फिर हम इसको नहीं भी दे सकते हैं, या इसको हम लोग नहीं भी दे सकते हैं। एबीसीडी का मॉडल दिया रहेगा, एबीसीडी आपको निकाल करके तब इसको बनाना है, आपको ये नहीं भी दिया रहेगा, ये आपको नहीं इसमें आपको नहीं देगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।